सो अभी हम लोग एग्जैक्टली सिमिलैरिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने प्री सिमिलैरिटी देखा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे, प्रॉपर्टी वन एंड प्रॉपर्टी टू, जिसमें प्रॉपर्टी वन में हम लोगों ने चार टाइप देखे थे, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी टू में हम लोगों ने थियरम्स देखा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट 1.3 के लिए एग्जैक्ट सिमिलैरिटी देखें, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट भी एक बार देख लेते हैं कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है, बिकॉज ये दो वर्ड में कंफ्यूजन आप लोग का अगर क्लियर हो गया तो इजीली हो जाएगा समझने के लिए कि कॉन्ग्रेंट वर्ड एंड सिमिलैरिटी वर्ड ये दो अलग अलग, ठीक है ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यस, आप लोग की तरह कुछ लोग हैं यहाँ पर, ओके फाइन, यस। अब ये दोनों दिखने में सेम टू सेम है, यस, दिखने में पूरा सेम है, उनका हाइट, यस, साइज, शेप, यस, पूरा सेम है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स मतलब क्या होगा, शेप सेम, साइज भी शेप, क्या शेप सेम होगा, साइज भी सेम होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर, ठीक है, फाइन, या नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, सेम शेप भी सेम है, सर्कल एंड साइज भी सेम, ठीक है, यस, फाइन, सिमिलर फिगर्स। तो व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, अभी यहाँ पर तीन फिगर्स है, ठीक है, दिखने के लिए तीनों सेम है, राइट, मतलब उनका शेप सेम है, शेप मतलब क्या, दिखने में, ठीक है, मतलब अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल, एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल, ठीक है, अभी एक फीमेल गुड़िया है तो दूसरा भी सेम उसी तरह फीमेल गुड़िया है, बट उनका साइज अलग है, समझ में आ रहा है, ओके, फिगर्स हैविंग सेम शेप नॉट नेसेसरली सेम साइज, साइज क्या उन लोगों का अलग अलग है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के फिगर जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, समझ में आया। अभी जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक ही पर्सन का फोटो है बट क्या है, साइज अलग अलग है, ठीक है, बट दे आर सिमिलर, ये हमारा ओरिजिनल अर्थ, ठीक है, ये हमारा घर का अर्थ, ठीक है, दोनों अर्थ ही है, सेम शेप बट साइज डिफरेंट, बिकॉज हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रेंट, ठीक है, एंड उसके लिए सिंबल क्या है, यूज करते हैं हम लोग इक्वल साइन जैसा एंड ऊपर, ठीक है, कॉन्ग्रेंट जो सिमिलर साइज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला साइन ध्यान रखना है, दिस साइन, ठीक है, कॉन्ग्रेंट, ओके, फाइन, सिमिलर फिगर्स मींस व्हाट, सेम शेप बट नॉट सेम साइज, उनका साइज डिफर हो सकता है, समझ में आया, बट समटाइम्स ध्यान रखना इसमें कॉन्ग्रेंट भी आ सकता है, ठीक है, सिमिलैरिटी करते हुए हम लोग को कॉन्ग्रेंट फिगर्स भी दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमिलर फिगर्स नहीं, ठीक है, फाइन, इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, बट नॉट सेम साइज, ठीक है, मतलब मे बी, यस, बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग हमेशा मैक्सिमम 99% इसमें साइज जो है वो अलग अलग ही देखेंगे, ठीक है, सेम शेप, ठीक है, सेम शेप, उसके लिए सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सिंबल डालना, अभी यहां पर हम लोग दो ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सेम है, ठीक है, शेप उनका सेम है, साइज नहीं, साइज उनका अलग अलग है, ठीक है, सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीआरबी, ठीक है, तो सिमिलर के लिए इस तरीके का साइन,
अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दोनों ट्राइंगल्स के हम लोगों ने वैल्यू ले लिए है, जैसे हम लोग ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू लिया, उसमें ए बी हम लोगों ने लिया है 8.5, बी सी लिया है 5, ए सी लिया है 10, ठीक है, पी आर 17, आर क्यू 10, पी क्यू 20, ठीक है। अब दोनों का रेशियोस देखते हैं, तो ए बी अपॉन पी आर, ठीक है, ए बी अपॉन पी आर का रेशियो निकालेंगे 8.5/17, ठीक है। सो 8.5 का डबल मतलब क्या होएगा 17, मतलब कैंसिल होएगा तो 1/2 आएगा, समझ में आ रहा है, 8.5 का डबल कितना आता है 17, ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 बी सी अपॉन क्यू आर, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, तो 5/10, इसको भी कैंसिल करते हैं तो 1/2, ठीक है, नेक्स्ट ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए सी का वैल्यू 10 अपॉन पी क्यू का वैल्यू 20, कैंसिल करते हैं 1/2, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों रेशियो सेम है, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। सो ओके, अगर तीनों का रेशियो सेम है तो ये जो तीनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होगा, ठीक है, रेशियो में, ठीक है, तो AB अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन QR, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहता है वो रेशियो में इक्वल होता है, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया, ठीक है, कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में इक्वल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब क्या, रेशियो में इक्वल, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो में अगर इक्वल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। सो सिमिलैरिटी में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, इन सेम मैनर, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एंगल देखते हैं, पहले हम लोगों ने क्या देखा, साइड वाइज देखे थे, अभी हम लोग एंगल वाइज देखते हैं, ठीक है, एंगल वाइज सिमिलैरिटी में एंड कॉन्ग्रेंट चैप्टर दोनों सेम है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट में भी क्या था, एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहते थे, सिमिलैरिटी में भी एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहते हैं, समझ में आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ए के साथ पी कॉन्ग्रेंट है, बी के साथ आर कॉन्ग्रेंट है, सी के साथ एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या बताया था, दो चीज मिलेगा हम लोग को, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में इक्वल, ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर, ए सी के साथ पी आर, ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एंगल्स भी क्या मिलेगा, कॉन्ग्रेंट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर, ठीक है, फाइन, ये बाहर ऐड करना है आपको, सिंपल है कंसेप्ट, ठीक है। देन इसी का वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब अगर हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि दो ट्राइंगल सिमिलर बताओ, ठीक है, तो सिमिलर बताने के लिए हम लोगों को ये छह एलिमेंट्स की जरूरत है, कौन सा छह एलिमेंट्स, तीन साइड्स एंड तीन एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये पूरा छह एलिमेंट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट का यूज करते हैं, टेस्ट मतलब क्या होगा, जहां पे हम लोगों को सिर्फ तीन एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स से भी हम लोग ट्राइंगल सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है, ओके, सो ओनली थ्री स्पेसिफिक कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है, एंड जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जैसे हम लोग लास्ट ईयर क्या किए थे, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस किए थे, वैसे अभी क्या करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो लास्ट ईयर के टेस्ट फॉर्मेलिटी में आप लोगों को क्या क्या था, यस महवेश बोलो, सीएस टेस्ट, एसएसएस टेस्ट,
कॉन्ग्रेंस में ए नहीं होता, तीनों एंगल होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रेंट में तीन एलिमेंट कंपलसरी, ठीक है। यस, और दो टेस्ट कौन सा है? साइड एंगल, एंगल टेस्ट एंड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, समझ में आया। टोटल पांच टेस्ट थे। नाउ अभी सिमिलैरिटी में हम लोगों के पास, ठीक है, तीन टेस्ट है, ठीक है। दैट इज एस 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 टेस्ट, एस ए एस टेस्ट एंड ए ए टेस्ट, ठीक है। सिमिलैरिटी करते हो, एंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ दो एंगल भी रहेगा तो काफी है, ठीक है। लेट्स सी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ए ए टेस्ट, एस 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 टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, ठीक है। तो फर्दर जाके हम लोग ये जो ए टेस्ट है ना, ए ए ए, इसको सिर्फ ए ए भी करेंगे तो भी काफी, ठीक है। सिमिलैरिटी में कितना टेस्ट है? तीन टेस्ट है। कौन से कौन से टेस्ट है? ए ए टेस्ट, एस 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 टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ए ए टेस्ट, ओके। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब जब भी हम लोग को सिमिलर बताना है तो सिमिलर बताने के लिए दोनों ट्राइंगल को पहले कंपेयर करना है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, एबीसी एंड पी क्यू आर। तो ए कॉन्ग्रेंट टू पी, बी कॉन्ग्रेंट टू क्यू, सी कॉन्ग्रेंट टू आर, फाइन। अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोगों को क्या किया, इसमें और भी थोड़ा शॉर्ट किया है, दैट इज टू एंगल्स, ठीक है। यस, एक एंगल को निकाल, समझ में आया। मतलब अगर सिर्फ दो भी एंगल होगा ना तो भी काफी, समझा। ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल अगर हम लोग को कॉन्ग्रेंट दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, इजी है, ठीक है। यस, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ट्राइंगल सिमिलर बताओ। तो सिमिलर बताने के लिए हम लोग के पास तीन टेस्ट है, उसमें से एक टेस्ट हम लोग देख रहे हैं अभी कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर ये दो ट्राइंगल में ए और पी कॉन्ग्रेंट है, बी और क्यू कॉन्ग्रेंट है, जिसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। इतना कॉपी कर लो, शिवानी कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट, एस 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 टेस्ट, ठीक है। तो एस 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 मतलब क्या? तीनों साइड्स रेशियो में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का एक साइड लिया, नेक्स्ट, एक ट्राइंगल फॉर्म किया, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, लोग को ऐसा सब नहीं करना है, सीधा ड्रॉ करना डायरेक्ट, ठीक है। देन दूसरा ट्राइंगल लिया, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताना है, ठीक है। तो सिमिलर के लिए क्या बताना है हम लोगों को, कि इनका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ए बी एंड पी क्यू, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है, फाइन। ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अभी यहाँ इस चैप्टर में वन टू वन करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोगों को जो ट्राइंगल है ना उसको साइड वाइज हम लोगों को अलग करना रहता है, ठीक है। मतलब जैसे एक छोटा साइड हो गया, एक सबसे बड़ा साइड हो गया एंड एक मिडल साइड हो गया, ठीक है। सबसे छोटा साइड, मीडियम एंड सबसे बड़ा। अब जैसे ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में सबसे छोटा ए बी, ए सी मीडियम, ठीक है, बी सी सबसे बड़ा, ठीक है। सेम उसी तरह पी क्यू सबसे छोटा, देन पी आर मीडियम, क्यू आर सबसे बड़ा, समझ में आया। अब ये वन टू वन क्यों जरूरी है? बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड जब मैं बोलूंगा ना तो छोटे के साथ छोटा साइड ही लेना, समझा। तो सबसे छोटा कौन सा है? ए बी। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? पी क्यू। तो ये दो करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब बी सी और सबसे बड़ा मतलब क्यू आर। अब समझा वन टू वन करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, ठीक ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 4/8, ठीक है। वैल्यू पुट अप किया, कैंसिलेशन किया, 1/2, ठीक है। सेम नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा? मिडल साइड, दैट इज
एसी, सॉरी बड़ा साइड लिया सबसे, बीसी एंड क्यूआर, ये सबसे बड़ा साइड, ठीक है। तो बीसी 6 एंड क्यूआर 12, कैंसिल करते हैं, 6 1 6 2, ठीक है। नेक्स्ट एसी अपॉन पीआर, ठीक है, तो एसी 5 अपॉन 10, कैंसिल किया 1 अपॉन, दैट्स इट, ठीक है। तीनों रेशियो सेम है, यस, तीनों रेशियो सेम है, तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल, ठीक है। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल है तो हम लोग उसको बोलते हैं एस 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 टेस्ट, समझ में आया। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एबी अपॉन पीक्यू इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यूआर इक्वल्स टू एसी अपॉन पीआर, ठीक है। दैटफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, समझ में आया। यस सर। चलो कॉपी, ओके, नेक्स्ट एसएएस टेस्ट, ओके। सो एसएएस मतलब क्या, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को केयरफुल रहना है, यहाँ पर दो साइड होगा, ठीक है, एंड उसके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या दो साइड होगा एंड उसके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। बीच वाला एंगल मतलब क्या, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये साइड है, ठीक है, एंड ये साइड है, फाइन, एंड ये इन दोनों साइड के बीच में वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पर भी एक एंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल है, बट ये एंगल दोनों साइड के बीच में नहीं, समझ में आया। मतलब जब हम लोग रीड करते हैं ना, तो रीड करते वक्त पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, ऐसे रीड करते हैं। डायरेक्ट साइड 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 नहीं होता है, डायरेक्ट एंगल 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 नहीं होता है, ठीक है। रीडिंग कैसे होता है, अगर साइड लिया तो उसके बाद एंगल आएगा, एंगल लिया तो साइड आएगा, फिर साइड, फिर एंगल, फिर साइड एंड गोज ऑन, समझ में आया। तो जब ऐसे देखोगे तो यहाँ पर ये साइड है, ये साइड के बाद ये वाला एंगल, फिर ये वाला साइड, समझ में आया, ठीक है। सेम मैनर और एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हम लोगों ने, ओके, लेट्स ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, तो जिसमें एबी एंड बीसी ये दो साइड्स हैं, ठीक है, थीके? ये दो साइड्स के बीच में एंगल बी आता है, ठीक है, एंगल ए इन दोनों साइड के बीच में नहीं आता है, ठीक है, एंगल सी ये दोनों साइड के बीच में नहीं आता है, एज वेल एज पी क्यू एंड क्यू आर इन दोनों के बीच में एंगल आता है क्यू, समझ में आ गया। बीच में मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सो एस ए एस इसका मतलब क्या, दो साइड रेशियो में इक्वल एंड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो दो साइड ए बी एंड पी क्यू, ठीक है, ए बी एंड पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड होगा, तो इनका रेशियो लेते हैं 4/8, ओके, लोवेस्ट टर्म में लेके जाएंगे 1/2, देन बीसी अपॉन क्यू आर लोवेस्ट टर्म में लेके जाएंगे 6/12, कैंसिल 6 1 6 2, ठीक है, दैट्स इट, तो रेशियो मिल गया सेम, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है, फाइन, यहाँ पर आप लोग रीजन दे सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो सॉल्व करते हो, ठीक है। अभी डायरेक्टली सिर्फ ऐसे इसका मतलब क्या वो समझना है, ठीक है, तो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे यस कॉपी, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आप लोगों को मैंने बताया था उसका मतलब क्या है, ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ओके, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड एंड मिडल साइड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड जैसे अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल एबीसी, तो इसमें स्मॉलेस्ट साइड क्या है, ए सी, पी क्यू आर में स्मॉलेस्ट साइड क्यू आर, ठीक है, फाइन, तो एसी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 24/16, कैंसल, 8 3 8 2, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट लार्जेस्ट साइड,
ठीक है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, साइड वाइज हम लोग को देखना है, स्मॉलेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड एंड मिडल, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड 48, दैट इज सॉरी BC अपॉन PR, ठीक है। तो 48 अपॉन 32, ठीक है, कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल होगा, 16 3 एंड 16 2, आप लोग दूसरा छोटा टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, फाइन। नेक्स्ट कौन सा बच गया, मिडल साइड, दैट इज AB अपॉन PQ, ठीक है। तो 36 अपॉन 24 कैंसिल किए, 3 अपॉन 2 सेम, ठीक है, तीनों का रेशियो सेम आ गया। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू AC अपॉन QR फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समझ में आया, ठीक है। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में इक्वल है, दैट फॉर ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर नेम लेते हो, नेम कैसे लेना है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिया तो ए पहले लिया, फाइन, ए एंड बी, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लिए थे हम लोगों ने, पी एंड क्यू लिए थे, राइट। सो ए बी का ऑपोजिट टू एंगल सी, ठीक है, ए बी ऑपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू का ऑपोजिट एंगल आर, ठीक है, बीसी का ऑपोजिट एंगल, बीसी देखो बीसी का ऑपोजिट एंगल ए, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट वो लिया है, तो यहाँ पर भी सेम क्या आएगा, पी आर का ऑपोजिट एंगल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट बचा हुआ अल्फाबेट, समझ में आया, ठीक है, बिकॉज जो नेमिंग है वो नेमिंग प्रॉपरली करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है, बाय SSS टेस्ट, कॉपी कर। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल जैसा देखते हैं हम लोग एक, ठीक है, सो स्मॉलेस्ट साइड AB, स्मॉलेस्ट साइड QR, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि नेमिंग के लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों को वन टू वन करस्पॉन्डेंस लेना है। वन टू वन करस्पॉन्डेंस कैसे मिलेगा, स्मॉलेस्ट साइड बिगेस्ट, ठीक है, एंड मिडल, ठीक है। तो पहले स्मॉलेस्ट साइड ले लिया, ए बी एंड क्यू आर, ठीक है, तो ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है, तो 2 अपॉन 4 कैंसल, 1 अपॉन 2, ठीक है, 1। नेक्स्ट लार्जेस्ट साइड ए सी एंड पी क्यू, ठीक है, कैंसलेशन, 1 अपॉन 2, ठीक है। बचा कौन सा साइड, बीसी, बीसी एंड पी आर, ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अब यहां पर नेम लिखते हो हम लोग कैसे भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, बट लेकिन जब लास्ट में लिखते हैं सिमिलर, उस वक्त कैसे भी लिखकर नहीं चलेगा, फिर से ध्यान दो, ठीक है, जब कंपेयर करते हैं उस वक्त कैसे भी नाम लिखोगे चलेगा, ठीक है, बट आप लोग अगर चाहिए तो प्रॉपरली ओके ऑर्डर में ही लिखने का हैबिट डाल, ठीक है। तो एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, तो एबी अपॉन क्यूआर is equals to AC upon PQ equals to BC upon PR. Reason, ठीक है, from first, second and third, ठीक है। Now, अभी triangle ABC लिखा, अब similar to triangle, ठीक है, first triangle का name आप लोग कैसे भी लिखो, ABC लिखो, BAC लिखो, CBA लिखो, चलेगा, हाँ, but लेकिन second triangle का नाम one to one correspondence से ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, because I know ये सब कोई आप लोगों को सिखाने वाले नहीं, ठीक है, कि one to one correspondence क्या होता है, ठीक है, and ये whole chapter का यही important part है similarity का, कि one to one correspondence आना चाहिए, ठीक है, and यही reason था ये chapter में फिर से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, because ये part नहीं समझ में आया तो पूरा आप लोग आगे जाके गड़बड़ करो, ठीक है। Now, तो इसके लिए tricks क्या बताया, first हम लोग ने लिया AB, ठीक है, तो AB
ठीक है फाइन। अल्फाबेट ए ए, ठीक है। सेकंड ट्रिक्स क्यू एंड क्यू, ठीक है। कॉमन क्या लिया, ए ए, तो क्या आ जाएगा क्यू क्यू, ठीक है। नेक्स्ट बी आर, ठीक है, बी लिया आर, देन बचा कौन सा अल्फाबेट, पी पी, ठीक है। Yes. दो अल्फाबेट मिल गया, थर्ड अल्फाबेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो बचा हुआ अल्फाबेट, ठीक है। कॉपी सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। और एक टेक्निक इजी वे में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे वन टू वन करेस्पॉन्डेंस लिखते हैं, ठीक है। पहला ट्रायंगल का नेम कैसे भी लिखो, पहला ट्रायंगल का नेम कैसे भी लिखो चल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या लिया ए बी एंड सी, ठीक है। अभी ए बी सी के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल का नेम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी सी, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा ए बी सी कैसे गया है, लेट सी ए बी सी, ठीक है, कैसे गया मैं ए बी एंड बी सी, क्या ए बी एंड बी सी, क्या ए बी एंड बी सी, मतलब छोटा साइड एंड मिडल साइड, क्या छोटा साइड एंड मिडल साइड। यहां पर देखते हैं ये छोटा साइड है, ये मिडल साइड, ये छोटा साइड है, ये मिडल साइड, समझ में आ गया, मतलब क्या क्यू आर पी, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर नेम लिखा होता बी सी ए, ठीक है, सपोज अगर मैंने लिया होता ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है, तो बी सी ए के लिए कौन सा ट्राइंगल का नाम मैं लूंगा, ठीक है। लेट सी, तो फर्स्ट बी सी ए में यहां पर चेक करूंगा बी सी ए, क्या बी सी ए ऐसे गया मैं, मतलब क्या मिडल साइड बड़ा साइड, कैसे गया बी सी ए, समझ में आ रहा है, बी सी ए मतलब कैसे जाना है मुझे, इस तरीके से मैं ऐसा गया, मतलब मिडल साइड एंड बड़ा साइड, तो मिडल साइड कौन सा है ये वाला, बड़ा साइड कौन सा है ये वाला, तो मतलब मैं कैसे जाऊंगा, इजी, समझ में आ गया सबको, ठीक है। ऑनलाइन एवरीवन, सो अभी यहां पर फिर से देखो ट्राइंगल क्या था ए बी सी, मतलब इस तरीके से गया मैं छोटा एंड मिडल, तो यहाँ पर छोटा कौन सा आएगा क्यू आर, मिडल कौन सा है दिस वन, ठीक है, सो क्यू आर पी, ओके। सो ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यू आर पी, इजी। 1.3 फर्स्ट वन देखते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, नेक्स्ट ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है। वन टू वन मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है फाइन। फर्स्ट ए बी सी, तो ए बी सी मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल का एक एलिमेंट है, एंगल ए बी सी बराबर, ये पूरा ट्राइंगल का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ई डी सी, EDC ये छोटा ट्राइंगल का पार्ट हो गया, ठीक है फाइन। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, ठीक है, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फाइन, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताने के लिए, ठीक है, हम लोग के पास एटलीस्ट दो एलिमेंट्स चाहिए, एटलीस्ट दो एलिमेंट्स चाहिए, एक एलिमेंट्स मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट और एक एलिमेंट हम लोग को दिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एंगल वाइज बताने के लिए, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए बी सी में एंगल सी, ई डी सी में एंगल सी,
दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, फाइन। सो आई विल से दैट दिस एंगल दैट इज सी, ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। सो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, रीजन कॉमन एंगल, दैट्स इट, दो एंगल हो गया। सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है, कैसे, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, कैसे बताना पड़ेगा, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे वन टू वन करस्पॉन्डेंस, छोटा साइड एंड बड़ा साइड समझ में नहीं आ रहा है, बराबर, छोटा साइड एंड बड़ा साइड समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, बी हमारा एंगल है, ठीक है, बी हमारा एंगल है, तो वहां पर एंगल कौन सा आएगा, सेंटर में डी, राइट, आगे समझ में, yes, sir, ठीक है। देन सी लास्ट में, दैट्स इट, बचा कौन सा, ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन, ठीक है, क्या हमारे पास यहाँ पर वन टू वन करस्पॉन्डेंस बताने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड मतलब स्मॉलेस्ट साइड बड़ा साइड इजी नहीं है बताना, तो क्या करने का, कॉन्ग्रेंट एंगल देखने का, बी के साथ कॉन्ग्रेंट एंगल क्या था, डी, तो बी सेंटर में है, ठीक है, सेंटर मतलब ए बी सी है, तो ए एंड सी के बीच में बी है, तो यहाँ पर उसके बीच में कौन सा आएगा, कॉन्ग्रेंट वाला एंगल आएगा, तो बी के जगह में आ गया डी, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा थर्ड अल्फाबेट कॉन्ग्रेंट क्या था, सी, ठीक है, तो सी थर्ड में है, तो यहाँ पर भी उसका सर कॉन्ग्रेंट एंगल कौन सा है, सी, दैट्स इट, क्या बचा अभी, ओके, ठीक है, चलो फाइन, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, कॉपी, आर, या, सेकंड वन देखते हैं, आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, ठीक है, यस, देखे पता चलेगा क्या, सॉल्व करना पड़ेगा, रेशियो देखना पड़ेगा कि रेशियो उनका इक्वल है या नहीं, ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट, ठीक है, यस, स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो इनका रेशियो लेते हैं पी क्यू अपॉन एल, ठीक है, तो रेशियो 6/3, कैंसलेशन 3 1s 3 2, ठीक है, सो 2/1 इक्वेशन नंबर 1, नेक्स्ट बिगेस्ट साइड PR upon LN, ठीक है, ये biggest side है, corresponding 10/5, cancellation 5 1s 5 2s, ठीक है, okay, yeah, next QR upon MN, ठीक है, so QR 8/MN 4, cancellation, ठीक है, तीनों ratio same है, yes, तो in triangle PQR and triangle LMN, ठीक है, all this three corresponding sides are equal, ठीक है, from first, second and third, so therefore triangle PQR similar, ठीक है, PQR कैसे गए हम लोग, PQR क्या, PQR मतलब छोटा and middle, तो यहाँ पर छोटा and middle मतलब क्या आएगा, LM, ठीक है, fine,